मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का शासनकाल समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सफल यात्रा है। यह अंत्योदय से राष्ट्रोदय की यात्रा है। एक सामान्य जनजातीय परिवार की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना इसी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक है। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के हिस्से आई इस उपलब्धि से पूरा देश उत्साहित है, हर तबका अभिभूत है। यह सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उनका विजन आज समाज के हर तबके में नजर आता है। सीएम योगी गुरुवार शाम भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह क्षण गौरवपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था और जो संकल्प लिया था वह हमारे लिए मंत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की जो परिकल्पना की थी, आज वह परिकल्पना साकार रूप में देश दुनिया के सामने है। अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़ी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलना पार्टी के महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा है। यह भारतीय मूल्यों व भारतीय आदर्शों का बेहतरीन सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें अंत्योदय के लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी जो करोड़ों गरीबों को घर देगी, शौचालय देगी, निःशुल्क बिजली व रसोई गैस कनेक्शन देगी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सब संभव हुआ है। देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय बनाकर दिए गए। ये शौचालय नारी गरिमा के साथ विकास के भी प्रतीक हैं। इन शौचालयों के होने से 50 करोड़ लोग खुले में शौच से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो सके हैं। देश में 3 करोड़ गरीबों के आवास बनाए गए, 8 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय, 43 लाख को आवास, 1.70 करोड़ को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 15 करोड़ को मुफ्त डबल राशन आदि की सौगात दी गई। हर घर को शुद्ध जल के लिए नल से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर न केवल डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूरा किया है बल्कि आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील भी ठोक दिया है। धारा 370 समाप्त होने से जम्मू कश्मीर में SC ST लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अनुसूचित जनजाति ST से जुड़े हर उस परिवार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया है जिनके पास आवास की सुविधा नहीं थी। थारू, कोल, मुसहर, सहरिया, वनटांगिया आदि के लिए शासन की योजनाओं का लाभ 100% सुनिश्चित कराया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप के सहयोगी बनकर जनजातीय समुदाय ने सदैव राष्ट्र के हित में अपना योगदान दिया है। इन जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ पहली बार BJP की सरकार में मिला। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 4-5 दशकों से वनवासी कल्याण छात्रावास का संचालन कर जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति, परिवार, क्षेत्र, जाति या मजहब की पार्टी नहीं है बल्कि यह देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के बीच और पैठ बढ़ाने के लिए व्यवहारिक टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यकर्ता छोटे समूह बनाकर जनजातीय लोगों से संवाद करें, उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। यदि कोई जनजातीय व्यक्ति किसी योजना के लाभ से वंचित है तो व्यक्तिगत प्रयास कर उसे संबंधित योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी समूह और
इको टूरिज्म से जोड़कर जनजातियों का आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। जनजातियों का प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव होता है और उनको साथ लेकर इको टूरिज्म की संभावनाओं को काफी आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समूचे समाज को विकास व स्वावलंबन के पद पर लेकर आगे बढ़ना है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मण आचार्य, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़, मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एडवर्ड सोरेन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा, इतने सुंदर व्यवस्था की है, ये तो संगठन की कार्य पद्धति, संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति संवेदन आ रहे। अस्पताल देखने में गया तो भाई ये नहीं कि हम उसको अस्पताल में देखने गए तो उल्टा केला तो, और एक दूसरे से दुख सुख में शामिल होना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, एक मंडल अध्यक्ष की पत्नी बीमार हो जाए और जिले के पदाधिकारी की ओर मोटरसाइकिल लेकर उसके दरवाजे के बाहर खड़ी करते हैं और पूछ लें कि भाभी कैसी हो, तो आधा बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। यही तो संगठन, और संगठन क्या है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे का सहयोग करना, यही तो संगठन है मित्रों। इसी में एक कार्यकर्ता काम करते हुए आगे बढ़ता है। वाक्य की कुशलता, बात कहां करना है, कैसा बात करना है, किस प्रकार का बात करना है, अब पता लगे कि नेता से नाराज हो गए तो पार्टी से नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो मेरी माँ है ना, उसका चुनाव चिन्ह कमल है। अब स्वतंत्र जी से नाराज होने के बाद कमल से नाराज तो नहीं होना, यानी कमल से नाराज होते हैं तो इस देश से नाराज होते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता से नाराज होते हैं, जिसके कारण आपकी पीढ़ी आने वाली वो सुख प्राप्त करेगी, वो दुख प्राप्त उसको दुख के रास्ते पर भजना चाहते हैं, तब व्यक्ति से नाराज होना चाहिए लेकिन कमल से नाराज नहीं होना चाहिए। ये वाक्य आप मंचों से नाराजगी उपेक्षा के बाद भी मंचों से आप बोलते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बोलते हैं, तो आप एक आदर्श के रूप में माने जाएंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपकी गिनती होगी, वहीं आप भविष्य में जाकर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, आप प्रदेश के महामंत्री हो सकते हैं, आप मंत्री हो सकते हैं। दूसरों की बुराई नहीं करना है, ना अपनी प्रशंसा करना है, ना दूसरों की बुराई करना है, ना अपनी आप प्रशंसा करना है। अपने आचरण व्यवहार से, अपने अपने संवाद से कार्यकर्ता का कैसे निर्माण हो, इसकी आपको चिंता करना है। पद नहीं, दायित्व का भाव होना चाहिए। पद का अर्थ केवल मात्र होल्डिंग लगाना, गाड़ी में पोस्टर लगाना, नेम प्लेट टांगना नहीं, आपका दायित्व है तो लगना चाहिए कि आप एक जैसा जैसा कद बढ़ता है उसे उसी नम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। आचार्य मुझे जानते हैं, मैं बहुत जिद्दी टाइप कर रहा हूँ, महामंत्री के रूप में मंच से उतार देता था लोगों को, डांटता फटकाता था, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सीधे मंच पर जाता हूँ। मंच पर कौन बैठा है, कौन उठा है, मैं कुछ नहीं बोलता, जो व्यवस्था देख रहा है वह जाता है। तो जैसे जैसे कद बढ़ता जाता है उसी तरह सरलता, नम्रता, विनम्रता आपके अंदर आने चाहिए। आपकी पार्टी पूरे देश आपका, ये दल आपका है, किसी का नहीं। ये लगता है कि हमारी पूछ रही नहीं, आप ही कद, और आप इस पार्टी के मुखिया है, ये मानकर चलना चाहिए और उसी प्रकार नेतृत्व करना चाहिए। और अच्छे समझे, अच्छे अच्छे समझे और ठीक ढंग से निर्वहन करें, ये मेरा निवेदन आप सबसे। पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद होना चाहिए। बीजेपी के भी पुराने कार्यकर्ता है तो अपने को गार्जियन समझो, जाकर संवाद किया करो। पूर्व जिला अध्यक्ष आज कोई नहीं पूछता होगा उसको, बैठक नहीं बुलाता होगा, तो आपको भैया हमारे अनुसूचित पूछा पदाधिकारियों की बैठक है कल आएंगे, 15 मिनट हमारे बारे में, बीजेपी के बारे में बता देंगे तो अच्छा है, यानी तुम हमारी लोकप्रियता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तब पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता घर पर चले गए मिलने, उनके साथ उठना बैठना हो रहा है तो आपकी प्रशंसा होगी, तो आपकी प्रशंसा होने का मतलब पार्टी के प्रति। कथनी करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए समाज में कि आपके कथनी करने में सामंजस्य है,
और जो बोलते हैं वह करते हैं मित्रों, अपनी कार्य शैली में बरकरार रखना चाहिए। सफलता का श्रेय सबको देना और कमियां हैं तो अपने ऊपर लेना। मातृभूमि गान से गुणगान से नींद से सदा की पंक्तियां रामनगर प्रांत लक्ष्य लक्ष्य रूप से राष्ट्र रूप से राष्ट्र हो विराट तन है शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो मातृभूमि गान से गूंज तीर से सदा फूलते रहे सुमन। मार्गदर्शन इससे
सत्र में होना है, समापन सत्र है। हम लोग आत्मसात करते हुए हम लोग से जनजाति मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी सैकड़ सोरेन जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा डॉक्टर संजय गौर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, नगर प्रमुख गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी और प्रदेश भर से आए हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मूल्य और सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा और उसके प्रशिक्षण के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप सभी कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है, इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी कि देश वर्तमान में जिस दौर से आगे बढ़ा है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है के 75 वर्ष पूर्ण होने के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, इससे अच्छा गौरव का दिन और क्या हो सकता है और क्षण हमारे लिए क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था, वो सपने के साथ एक संकल्प लिया था, संकल्प नहीं था, एक मंत्र था। जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रोदय का उदय होगा और जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी एक वहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है तो भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आजादी के अमृत महोत्सव का जैसा उत्सव उत्साह उमंग उसके मन में, पूरे देशवासियों के मन में था, वह दुनिया के लिए अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और पूरी दुनिया ने इसका अभिनंदन किया है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी भी, एक सामान्य परिवार से जुड़ी भी एक बहन को वहां पहुंचने का अवसर उपलब्ध होना, यहां और महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा तो है ही। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का बेहतरीन सम्मान है और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्साह और उमंग का अवसर दूसरा नहीं हो सकता। इस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार का विजनरी नेतृत्व तो देना चाहिए, वह आज भारतीय जनता पार्टी के सामने और देश के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में उन्होंने देश का एक विजन दिया। वह विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका
सबके प्रयास का, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबका विकास कराएंगे, सबके विश्वास को अर्जित करेंगे और सबके विश्वास के माध्यम से और सबके प्रयास के माध्यम से हम भारत को दुनिया की एक महाताकत भी बनाएंगे। और उस महाताकत को बनाने के अभियान के क्रम में ही प्रवर्तमान अभियान भारत के अंदर चल रहे हैं। कोई सोचता था कि कोई सरकार ऐसे भी आएगी जो करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय दे देगी? केवल एक शौचालय नहीं थे, यह शौचालय उस व्यक्ति की गरिमा और नारी गरिमा का प्रतीक तो है ही, उसके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा भी तैयार करता है। तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के पीछे खुले शौच एक कारण था। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाना, आजादी के लिए 70 वर्ष इसके लिए इंतजार करना पड़ा था और 70 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोग आजादी के 70 वर्ष तक ऐसे थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर घर शौचालय बनकर के हर एक घर को खुले में शौच से मुक्त करने का भी नारी गरिमा की रक्षा की गई और साथ साथ उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी एक अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के माध्यम से किया गया। कोई सोचता था गरीब के पास कितने मकान होंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या सामान्य जाति, जिस भी जाति में कोई गरीब है, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये उसी अभियान का हिस्सा है। 8 करोड़ गरीबों को निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 4 करोड़ गरीबों को निशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निशुल्क आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध हो जाना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए धारा 370 बना करके वहां अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ाने के षड्यंत्र हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की इस अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके उसे हरेक सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य किया ही। देश के अंदर अकेले जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता था। धारा 370 हटने के बाद अब इस सुविधा का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्राप्त होता गया है। यानी ये सभी कार्यक्रम है जो इस बात को बताते हैं कि एक एक कार्यक्रम अपनी विरासत के संरक्षण का भी है, महापुरुषों के सम्मान का भी है और उनके संकल्पों की पूर्ति के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। ये सभी एक कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, इसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, 1,45,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1,70,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए,
10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य एक कर्तव्य मानकर के सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। और आज हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि हर व्यक्ति का इसके अधिकार होना चाहिए और उस अधिकार के तहत हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जिसने अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आच्छादित हो रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आच्छादित हो रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना चला करके, चाहे चेरो हो, सहरिया हो, कोर हो, या फिर मुसहर हो, या पंडांगिया हो, इन सभी के लिए हमने बात स्पष्ट रूप से कहा कि इनमें 100% लोगों को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उनके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, जमीन का अपना पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, उनके पास आवास होना चाहिए, उनके पास विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास जनधन का अकाउंट होना चाहिए, उनके पास उज्ज्वला योजना का राशन कार्ड होना चाहिए और उन्हें शासन की हर योजना से लाभान्वित करने के लिए अगर कोई निराश्रित बुजुर्ग है निराश्रित पेंशन योजना के साथ जोड़ो, अगर कोई निराश्रित महिला है निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ो, अगर कोई निराश्रित दिव्यांगजन है उसको निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का कार्य करो, अगर वो नौजवान स्कूली छात्र है स्कॉलरशिप के साथ उसे जोड़ो, उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्कॉलरशिप में कैसे बढ़ोतरी की गई, नौकरियों में कितनी सुविधाएं देने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अभी आपके सामने यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री शशि वरुण जी ने का विस्तार से आपको बताया। ये सभी कार्यक्रम हमारे लिए अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प था और इसलिए था क्योंकि हमारा कर्तव्य था कि जिस जनजाति समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में आकर के कभी भगवान राम के सहयोगी बनकर के, कभी भगवान कृष्ण के सहयोगी बनकर के, कभी महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी बनकर के भारत को भारत बनाने में अपना योगदान दिया, उस जनजातीय समुदाय को आज आजादी के बाद भारत की आजादी का वास्तविक लाभ मिलना जो बाकी पिछली सरकारों की कमी के कारण रह गया था उसे कैसे किया जा सकता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय दिवस को भगवान बिरसा मुंडा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जगह जगह जनजातीय समुदाय के बच्चों को ला करके आज से नहीं 40 साल 50 साल पहले से उन बच्चों को छात्रावास में रखना, वहां पढ़ाने की व्यवस्था करना और फिर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास और प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इसी अभियान के क्रम में किया गया। यानी ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं और इसीलिए उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी ही की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज के दिन का है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं, क्षेत्र की पार्टी नहीं, जाति मत और मजहब की पार्टी नहीं, यह भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है
और राजनीतिक मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें उचित सम्मान समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है और उसमें भी आप सबका सौभाग्य है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर आप सभी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, कोई सोनभद्र से आया है, कोई मिर्जापुर से आया है, कोई बदनाम कृष्णावस्ती से आया है, कोई बहराइच और लखीमपुर से आया है, कोई पश्चिम से आया है, तो कोई पूरब से आया है, प्रदेश के अलग अलग कोनों से आकर के एकजुट होकर के हम लोग यहाँ पर इस समाज के उत्थान के लिए और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कैसे हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हमारे जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ है उन्हें समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम दिए जाते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप उसको केवल अपने तक सीमित करते हैं, आपका दायित्व तो बनता है उसके छोटे छोटे ग्रुप बना करते हैं, समाज के अलग अलग तबके में देखकर के उन योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके इसके बारे में जानकारी। अक्सर होता क्या है, जानकारी के अभाव में और जागरूकता के अभाव में लोग शासन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। आज कितनी योजनाएं चल रही है देश के अंदर, हर एक तबके के लिए थोड़ा भी प्रयास हो जाए तो उस प्रयास को हम समाज का कोई व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रह सकता। और योजनाओं से जोड़ने का जो कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है, इस कार्यक्रम को ही हमें मिलकर के एक पार्टी संगठन के साथ जोड़ना, केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा कहां पर क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोक कल्याण के क्षेत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए उन सभी योजनाओं की जानकारी लेना और फिर उन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अपने समाज की उन टीम को उसके साथ जोड़ना कि इस समाज के लिए ये स्कीम है शासन की, इसके साथ हम जुड़ेंगे तो ये कार्यक्रम हो सकते हैं। जनजातीय समुदाय समूह को जोड़ करके हम लोग अपने आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ढेर सारे पर्यटन की संभावनाओं को इको टूरिज्म में तो आपका प्रभुत्व होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समुदाय का प्रकृति के साथ जो संवाद है वह एक भावनात्मक संवाद है और उस भावनात्मक संवाद के माध्यम से बेहतरीन गाइड के रूप में आप वहां पे ढेर सारे नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। ये तमाम कार्यक्रमों की जब हमें जानकारी होगी तो उन कार्यक्रमों को तब हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ पाएंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जोड़ना, उस योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम करना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति मोर्चा अपने मूल्य और आदर्शों को बनाए रखते हुए तोड़ने के हो रहे हैं, एक तबका ही ऐसा है जो आजादी के पहले से ही भारत के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं रखता, उन लोगों के बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता, वे गुमराह करें। वे तमाम प्रकार से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से भटकाने का काम करेंगे, लेकिन वे आपके सच्चे देशी नहीं हो सकते, उनसे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता। और उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए हमें विकास और स्वावलंबन के पथ पर अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे लेकर के चलना है। आज के इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम का समापन हो रहा है, इसके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि विगत 3 दिनों से आप लोग गोरखपुर में रहकर के प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के हितों के लिए हमें क्या कुछ करना है इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे बताया गया कि लगभग 200 कार्यकर्ता प्रदेश भर से प्रशिक्षण शिविर में आए, 75 जनपद है। अगर दो दो तीन तीन कार्यकर्ता एक एक जिले
जिले को अपना केंद्र बिंदु बनाकर के कार्य करना प्रारंभ करेगा तो मुझे लगता है हर एक परिवार तक अनुसूचित जनजाति के हर एक परिवार तक हम पहुंच करके उसे शासन की योजना के साथ पहुंच सकते हैं और शासन की योजनाओं के बारे में समय समय पर अगर अनुसूचित जनजाति पहुंचा अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को मिलेगी तो सरकार भी उस पर आगे कार्रवाई बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको वीर दिवस शिक्षा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। कल से विश्व जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आपका एक कार्यक्रम का समारोह और कल की जन्माष्टमी की तैयारी के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसलिए आप सबको हृदय से बधाई देते हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को हम लोग हमेशा तराशने का, सुधारने का और बढ़िया बनाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें कि प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये प्रशिक्षण की श्रृंखला है जो लगातार चलती रहती है। इसको नगर पालिका चुनाव से या किसी चुनाव से देखेंगे तो शायद हम बहुत छोटा रूप दे रहे होंगे। और प्रशिक्षण में संगठन के बारे में, संगठन के महापुरुषों के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में, संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की गई, ताकि मूल सिद्धांत जिन पे पार्टी काम करती है, जिन पे पार्टी अपने आप को आधारित करती है, उसके संबंध में प्रत्येक कार्यकर्ता को जागरूक किया सके, प्रशिक्षित किया सके, ये इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार के प्रशिक्षण अब जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर भी होंगे और ये श्रृंखला बनी रहेगी। विशेष बातें अभी तक जो प्रशिक्षण में हुई हैं उसमें संगठन के संबंध में बातचीत हुई, एक अच्छा कार्यकर्ता या अच्छा नेता कैसे बने इसके बारे में बातचीत हुई, मैंने भारतीय संविधान और उसमें सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत की, तो कई रोचक विषय आए हैं अभी तक। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी संबोधित करेंगे तो उनका विषय भी हम लोग सुनेंगे।